Good morning, everyone. It's your English class, and today we are going to study our first chapter of our course book, Chaskit Goes to School. This chapter we are going to study, written by Padma Nabhan. Sujata Padma Nabhan is the author of this chapter. This chapter we are going to study. So first of all, some Tibetan words are written here. We need to understand these words. First is Abale, that is father. Means pita ko wo apni language mein, chapter mein, Abale bolte hain. Amchi, Amchi means a local doctor who has been trained in Tibetan medicine. Ek aisa doctor jo Tibetan medicine mein perfect ho, trained ho, usko wo bolte hain Amchi. Amale, that is mother, yani ki ma. As hangle, term used with respect for an elderly man, यानी कि elderly यानी कि बड़ों के लिए जो words use किए जाते हैं Tibetan language में वो होते हैं as hangle. Next, mimle means grandfather, यानी कि दादाजी. Next, gurgur tea, butter tea that is made in long cylindrical wooden vessel. The tea is churned with butter, salt and milk in this vessel. A low gurgur noise is produced during the churning. यानी कि ऐसी टी तिब्बतन कल्चर में इस टी को बोला जाता है गुड़गुड़ टी, जो एक सिलेंड्रिकल वुडन के वेसल में, यानी कि लकड़ी के वेसल में बटर के साथ और सोल्ट के साथ और मिल्क के साथ बनाई जाती है. उसमें जो उसको बनाया जाता है तो गुड़गुड़ की आवाज आती है, तो उसको बोलते हैं गुड़गुड़ टी. नेक्स्ट जूली, टर्म यूज्ड एज अ ग्रीटिंग, हेलो, गुड बाय. यानी कि ऐसा वर्ड जूली का मीनिंग है. यहाँ पे तिब्बतन लैंग्वेज में जूली वर्ड को यूज करते हैं जब हम किसी को हेलो बोलते हैं, गुड बाय बोलते हैं, तो उसी तरह वो जूली बोलते हैं, राइट. एक्चुअली दिस स्टोरी इज अबाउट अ गर्ल एंड शी वॉज फिजिकल चैलेंज्ड, मीन्स शी वॉज हैंडीकैप्ड, शी कुडंट वॉक. सो हाउ मीन्स लाइक शी वॉन्टेड टू गो टू स्कूल बट बिकॉज ऑफ हर लेग्स शी कुडंट गो टू स्कूल. सो अ बॉय हेल्प हर, लड़के ने उसकी हेल्प की, एंड हाउ ही हेल्प हर, एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर वी नीड टू स्टडी. ओके, नाउ ओपन नेक्स्ट पेज. बिफोर रीडिंग दिस चैप्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड द डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर. सो वन वर्ड इज रिटन हियर इन द एंड ऑफ दिस पेज, that is, let me see, that is disability, means a condition that limits a person's physical or mental abilities. यानी कि ऐसी यानी कि condition जिसमें कोई person की कोई या mental या physical disabilities हो, उसमें ability show होती हो, यानी कि हम इसको हिंदी में बोल सकते हैं विकलांगता. यानी कि कोई person किसी में कुछ problem हो चलने में या फिर कुछ और काम करने में, that is called विकलांगता, and in English that's called disability. Right. Some more words are there. Let's understand them. On page number 5, fundamental rights. Fundamental rights means some basic types of freedom that human beings must have. Yani ki fundamental rights ka matlab hota hai ki aise freedom jo sabhi ko basic roop se milti hai. Hindi mein bol sakte hain. जो हमारे बिल्कुल यानी कि फंडामेंटल राइट, जैसे कि जो हमारे बिल्कुल सभी को ऐसे अधिकार मिलते हैं, आधारभूत जिसको हम अधिकार बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स. जैसे सभी को कुछ भी बिजनेस करने का हक है, सभी को कुछ भी कहने का हक है, दीज आर द फंडामेंटल राइट्स. नेक्स्ट सिटीजन्स, सिटीजन्स मीन्स द पीपल हु लिव इन अ कंट्री. यानी कि किसी कंट्री में रहने वाले लोग को बोलते हैं सिटीजन्स, यानी कि नागरिक, राइट. Let me see some more words are written here. Leveled. Leveled means made something flat or smooth. यानी किसी चीज को level कर देना, flat कर देना, smooth कर देना, plain कर देना. Next, planks. Planks means long, thin, flat pieces of timber used in building and flooring. यानी कि किसी भी कोई लकड़ी का ऐसा टुकड़ा जो लंबा हो, पतला हो और बिल्डिंग के लिए या फ्लोरिंग के लिए यूज किया जाता है, जैसे कोई तख्ता होता है,
कुछ बांध बनाने के लिए, कहीं पे घर की छत बनाने के लिए उनको रखा जाता है, तो दैट इज कॉल्ड प्लैंक्स, राइट? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. डिफिकल्ट वर्ड्स वी हैव सीन, नाउ लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द चैप्टर. लेट मी कम ऑन द फर्स्ट पेज. Khushi, don't turn on the camera, please. Okay, let's start. You need to open your book. Jaskit woke up early that morning. Jaskit, जो एक लड़की का नाम है, वो उस मॉर्निंग को जल्दी उठ गई थी. It was a very special day and she was too excited to sleep. उसके लिए वो दिन बहुत स्पेशल था और वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी सोने के लिए, यानी कि वो दिन उसके लिए बहुत स्पेशल था, बट वो सोना चाहती थी. शी ईगरली लुक्ड आउट ऑफ द रूम थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हर बेड. उसके बेड के साथ में जो विंडो थी, उसने ईगरली यानी कि बहुत ही उत्साह के साथ उस विंडो की दूसरी तरफ देखा. इट वॉज स्प्रिंग टाइम एंड लद्दाख एंड The apricot trees were in full bloom. तो उधर कहते हैं कि उस समय जो टाइम था वो स्प्रिंग का था, और वो समय यानी कि लद्दाख में थे. लद्दाख की बात है, एप्रीकोट यानी कि खुबानी के जो ट्रीज होते हैं वो पूरी तरह अच्छे से खिले हुए थे. Two magpies had already begun their day and were busy looking for insects to eat. जो यहाँ मैगपाइज टू यहाँ पे बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स को कहा गया है कि दो बर्ड्स ऐसे उसने देखे जिसने अपना काम शुरू कर दिया था, और वो इंसेक्ट्स यानी कि कीट पतंगों को ढूंढने के लिए वो बर्ड्स बहुत ज्यादा बिजी थे उस काम में. नेक्स्ट, हर अमाले वॉज अवेक टू. उसकी जो मदर थी वो भी अब जाग गई थी. जस्किट कुड हियर हर इन द किचन मेकिंग गुड़गुड़ टी. तो जस्किट थी जो थी वो अपनी मम्मा की आवाज को यानी कि उस गुड़गुड़ टी की आवाज को सुन सकती थी जो उसकी मम्मा किचन में बना रही थी, राइट? नेक्स्ट, चस्किट हैड बीन अवेक फॉर द लास्ट आवर्स. तो चस्किट थी वो एक घंटे से जाग रही थी. दिस वॉज द डे शी वॉज गोइंग टू रिमेम्बर फॉर अ लॉन्ग टाइम. और यह वह दिन था जिसको बहुत समय के लिए, बहुत टाइम के लिए याद रखेगी. Today was going to be Chaskit's first day at school. क्योंकि वो दिन था, वो इसलिए special था क्योंकि उस दिन वो school जाने वाली थी. At 9 years, she had waited a long time for this. उसने 9 साल school जाने के लिए इंतजार की, but वो school नहीं जा पाई. और आज वो उसका ऐसा दिन था जब वो school जाने वाली थी. Next, the school was not very far away from her home. जो स्कूल था उसके घर से काफी दूर नहीं था. टू गेट देयर यू हैड टू वॉक अप टू मेन रोड. अगर उसके स्कूल में जाना था तो हमें मेन रोड तक हमें वॉक करना पड़ता था. जस्ट बिफोर द प्रेयर व्हील, और वहां पे एक प्रेयर व्हील थी उसके पीछे तक यानी कि उसके पास तक. यू टुक द पाथ टू द लेफ्ट ऑफ द रोड. तो उसके बाद हमें उस रोड से लेफ्ट की तरफ हमें वो रोड लेना है. देन रैन अलोंग अ नैरो स्ट्रीम. तो वहां पे एक नैरो स्ट्रीम है, एक छोटी सी नदी है, छोटा सा नाला है. नियर द पॉपुलर ट्रीज, जो पॉपुलर ट्रीज होते हैं उसके पास, पॉपुलर ट्रीज के पास वो नाला है. यू क्रॉस द स्ट्रीम बाय जंपिंग ओवर द बिग रॉक्स. तो बिग रॉक्स के ऊपर जंप करके आप उस स्ट्रीम को, उस नाले को, उस छोटी सी नदी को क्रॉस कर सकते हो. Once you go to the other side, a short walk up a slope took you to the school. जैसे ही उस नाले को क्रॉस करोगे, वहाँ पे एक ढलान वाला रास्ता है, और उसको पार करते ही हमारा स्कूल आ जाता है. तो जस्किट ने ऐसे अपने स्कूल के रास्ते की डिस्क्रिप्शन दी है यहाँ पे, right? Next, all the children of Skidpo Yul, ये Skidpo Yul उस स्थान का नाम है जहाँ पे वो जस्किट रहती थी. Skidpo Yul, Chaskit's village, यानी कि उसके village का नाम है, walked to school every day. तो सभी बच्चे उस गांव के school चलकर जाते थे with ease, यानी कि पूरी आसानी के साथ, यानी कोई मुश्किल नहीं होती थी उन बच्चों को school जाने के लिए. But not little Chaskit, but Chaskit के लिए ऐसा possible नहीं था.
She had a disability and could not walk. उसकी उसके पास यानी कि वो अपंग थी, यानी कि वो फिजिकल चैलेंज थी जिसकी वजह से वो चल नहीं सकती थी, यानी कि उसके पैर किसी डिजीज की वजह से काम नहीं करते थे. Jaskit was born with legs that did not work like everyone else. तो Jaskit की जो legs थी वो इस तरह की थी कि जिस तरह और लोगों की legs होती हैं वो चल फिर सकते हैं, but Jaskit की leg इस तरह की नहीं थी और वो चल फिर नहीं सकती थी. Her father had taken her to village Amchi and them to the doctors in Leh. तो जो विलेज के डॉक्टर्स हैं उसके फादर उनके उसको उसके पास भी ले गए थे, और ले के जो लद्दाख के जो डॉक्टर्स हैं वो उसके फादर Jaskit को उनके पास भी ले गए थे. नेक्स्ट, बट नो अमाउंट ऑफ मेडिसिन हैड हेल्प्ड हर वॉक. परंतु किसी भी तरह की मेडिसिन ने उसकी हेल्प नहीं की चलने में, यानी कि उसके बावजूद भी, यानी कि डॉक्टर्स को दिखाने के बावजूद और मेडिसिन लेने के बावजूद भी उसकी टांगों में कोई सुधार नहीं हुआ, वो चल फिर नहीं सकी. एट फर्स्ट Jaskit डिड नॉट रियलाइज दैट शी वॉज इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम स्टोबडन हर यंगर ब्रदर. तो उसके ब्रदर का नाम बताया गया है यहाँ पे स्टोबडन, जो उसका यंगर ब्रदर था. तो जब वो पैदा हुई Jaskit तो उसको किसी भी तरह की ऐसी फीलिंग नहीं आई कि वो अपने भाई जो उसका छोटा भाई है स्टोबडन उससे अलग है, और हर कजन्स जो उसके कजन्स हैं उससे अलग है. स्टार्टिंग में उसको इस तरह का कुछ भी महसूस नहीं हुआ. बट सून देयर वर मैनी थिंग्स शी कुड नॉट डू एज इजली एज देम. परंतु बाद में उसको धीरे धीरे महसूस होने लगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उसके भाई बहन कर सकते हैं आसानी से और वो नहीं कर सकती, बिकॉज ऑफ लेग प्रॉब्लम्स. दैट डज नॉट मैटर, हर अबा ले वुड टेल हर व्हेनेवर शी फेल्ट सैड. तो जब कभी भी Jaskit बुरा महसूस करती थी तो यानी कि उदास हो जाती थी तो उसके फादर उसको समझाया करते थे कि ये कोई मैटर नहीं करता. You can stitch better than any one of them. तो उसके फादर उसको समझाया करते थे कि तुम अच्छे से सिलाई कर सकती हो और तुम्हारी तरह कोई नहीं कर सकता. And you draw very well. और तुम यानी कि drawing भी कर सकती हो बहुत अच्छे से. Abale often brought her some color pencils from Leh. तो इसके फादर थे वो अक्सर जब वो ले जाते थे, ले लद्दाख जाते थे तो उसके लिए पेंसिल्स ले आते थे कलर करने के लिए, कलर पेंसिल्स ले आते थे. नेक्स्ट, Jaskit वुड सिट एट द किचन्स विंडो एवरी डे एंड ड्रॉ व्हाट शी सो व्हाइल हर अम्मा ले कुक्ड. तो Jaskit क्या करती थी, किचन की विंडो के पास बैठ जाती थी जब किचन में उसकी मम्मा कुछ काम करती थी, तो वो वहां बैठ जाती थी और जो भी कुछ वो देखती थी उसको ड्रॉ करती थी. शी कुड सी हर फैमिलीज एनिमल्स being taken to graze every morning. तो graze के लिए जब उसके family के animals थे जिनको ले जाया जाता था, यानी कि चराने के लिए जिनको ले जाया जाता था, तो वो देखती थी उनको. She could see the blue waters of the stream that followed nearby. तो जो उसके पास में नदी थी उसके अंदर जो blue color का जो पानी था वो बहता था, तो उसको वो देखती थी. And she would be the first one to announce the arrival of a visitor to their house. जो उनके house में जो भी visitor यानी कि कोई मेहमान या guest कोई आता था, तो वो सबसे पहले announce करती थी क्योंकि वो ध्यान रखती थी, बाहर देखती थी. Right, next. Jaskit used a wheelchair to move around. तो Jaskit थी वो अपने यानी कि इधर उधर जाने के लिए एक wheelchair को use करती थी. You could move it in any direction, यानी कि वो इसको किसी भी direction में move कर सकती थी, forward, left, right, and even backward. यानी कि उसको आगे भी कर सकती थी अपने wheel को, पीछे भी कर सकती थी, side में left या right turn भी कर सकती थी. By moving the wheels with your hands, वो अपने hand से उस wheel को move करती थी, wheelchair को move करती थी. You only needed to have really strong arms to push the weight of your body and the chair. Just तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, तुम्हारे पास तुम्हारे बाजू में इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप उसको easily move कर सको.
When Abale first brought the wheelchair home, everyone in her family was very excited. तो वो कहती हैं कि जब उसके फादर, संस्कृत कहते हैं कि जब उसके फादर फर्स्ट टाइम उसके लिए व्हील चेयर लेके आए थे, तो उसकी फैमिली में हर कोई बहुत ही ज्यादा खुश था, एक्साइटेड था. कम ऑन द नेक्स्ट पेज. Now I won't have to carry Chaskits everywhere. I can wheel her around, said Amali, with tears of happiness in her eyes. तो जब उसके लिए first time उस wheelchair को लाया गया, तो उसकी जो mother थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए खुशी के, और खुशी के जो आंसू थे, वो बात कहते हुए उसने कहा कि अब मुझे इसको कहीं पर भी उठाकर नहीं ले जाना पड़ेगा. Just wheelchair की help से मैं इसको कहीं भी, Chaskit को कहीं भी ले जा सकती हूँ. उस समय सभी बहुत खुश थे. नेक्स्ट, एंड आई विल बी एबल टू गो वेयर एवर आई वांट, क्राइड Chaskit एक्साइटेडली. तो Chaskit ने भी बहुत खुशी के साथ कहा कि अब मैं जहां कहीं भी जाना चाहती हूँ, मैं जा सकती हूँ अपनी इस व्हील चेयर की हेल्प. प्लीज प्लीज कुड आई राइड ऑन योर व्हील चेयर वंस इन अ व्हाइल, बेग्ड स्टॉपडन. ही वॉन्टेड टू व्हील इट अराउंड टू. It looked like fun. तो उसका जो भाई था, छोटा भाई था, स्टॉपडन, जब उसने वो चेयर देखी, व्हील चेयर देखी, तो उसने बैक किया, यानी कि रिक्वेस्ट की कि मुझे इस पर बैठने दो, मुझे इसको बैठ के घूमने दो, क्योंकि उसके लिए ये एक फन था, एक व्हील चेयर पे बैठना और इधर उधर जाना. तो ऐसा उसने कहा, उसके भाई ने और Chaskit को कहा. Slowly, Chaskit learned to use her wheelchair. She would ask her mother to sit her in the wheelchair outside her home every evening. तो जल्दी ही Chaskit ने उस wheelchair को use करना सीख लिया, यानी कि उसको आगे कैसे ले जाते हैं, पीछे कैसे ले जाते हैं wheelchair को, left और right में turn कैसे करते हैं, तो ये सब उसने जल्दी सीख लिया. उसने अपनी मदर को कहा कि प्लीज मुझे इवनिंग में घर के बाहर बिठा दो उस wheelchair पे, ताकि मैं लोगों को देख सकूं. From here, she would watch children returning from school, chattering and laughing merrily in the groups. तो उसने कहा कि वहां से जब मैं outside बैठूंगी अपने घर के, तो वहां से मैं बच्चों को देखूंगी जो अपने school से वापस आ रहे होंगे, chattering कर रहे होंगे, बातें कर रहे होंगे और खुशी से हंस रहे होंगे, groups में आ रहे होंगे, तो उनको मैं देखूंगी. In a while, the evening bus would return from Leh, bringing back people from work and the marketplace. तो evening में क्या होता था, यानी कि उस evening में क्या हुआ, जब वो बैठी थी, तो वहाँ से एक बस आई जो वहाँ से लोगों को लेके आई जो मार्केट में गए थे या फिर काम पर गए थे, उन लोगों को लेके आई. How much more exciting the world was from here than from the kitchen window. तो Chaskit कहती है कि जो यहाँ से देखने का नजरिया है, वर्ल्ड कितना सुंदर दिखाई देता है जब मैं घर के बाहर बैठी हूँ, तो यहाँ से देखने में वर्ल्ड कितना सुंदर दिखाई देता है, और जब मैं किचन की विंडो से देखती थी इस वर्ल्ड को, इस दुनिया को, तो वहां से कुछ और ही तरह का एक्सपीरियंस होता था, यानी कि वहां पे कुछ अलग मुझे दिखाई देता था. राइट, कम ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 4. One evening when Chaskit was sitting outside the house with her grandfather, a young boy came up to her. तो एक इवनिंग में जब Chaskit अपने grandfather के साथ अपने घर के बाहर बैठी थी, वहां पे एक छोटा बच्चा उनके पास आया. He carried a letter which he handed over to the grandfather. तो उसके हाथ में एक letter था जो उसने Chaskit के ग्रैंडफादर को हैंड ओवर कर दिया, यानी कि दे दिया. जूली, द बस ड्राइवर आस्क्ड मी टू गिव दिस टू यू, ही सेड. तो उसने जूली कहा, यानी कि नमस्कार किया, विश किया, और उसके बाद बताया कि लेटर बस ड्राइवर ने मुझे दी है आपको देने के लिए. माय नेम इज अब्दुल, ही सेड टर्निंग टू Chaskit. तो Chaskit की तरफ जब वो मुड़ा, तो उसने बताया कि मेरा नाम अब्दुल है. आई स्टडी इन क्लास 6 एट द गवर्नमेंट स्कूल. उसने बताया कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में 6th क्लास में पढ़ता हूँ. आई हैव ऑफन वंडर्ड व्हाई यू डोंट कम टू स्कूल. तो वो लड़का कहता है, अब्दुल, मैं हमेशा इस बात से परेशान रहता हूँ, मुझे बताओ कि तुम स्कूल में क्यों नहीं आते.
जूली अब्दुल सेड चस्कित, तो चस्कित ने उसको विश किया। आई हैव नेवर बीन टू स्कूल, तो चस्कित ने बताया कि मैं कभी भी स्कूल नहीं गई हूँ। द पाथ टू द स्कूल इज टू अनइवन एंड पेबली एंड माई व्हील चेयर विल गेट स्टक। तो चस्कित ने बताया कि जो पाथ है स्कूल का, जो रास्ता है, अनइवन है। अनइवन मतलब कि वो उबड़ खाबड़ है, यानी कि सीधा नहीं है, प्लेन नहीं है। और पेबली है, पेबली मतलब पत्थर रखे हुए हैं, रोड़े रखे हुए हैं उसमें। और फिर उसने बताया कि इस कंडीशन में जो मेरी व्हील चेयर है, अगर मैं स्कूल जाऊंगी तो मेरी व्हील चेयर फंस जाएगी, मैं उसको, उस पाथ को क्रॉस नहीं कर पाऊंगी। बिसाइड्स आई कांट क्रॉस द लिटिल स्ट्रीम इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, तो उसने ये बताया कि इसके अलावा जो वहाँ पे जो स्ट्रीम है, जो नदी है, नाला है, जो स्कूल के सामने है, मैं उसको भी क्रॉस नहीं कर पाऊंगी। It would be difficult for my parents to carry me to school and back every day. तो उसने ये भी बताया कि अगर मैं अपने पेरेंट्स को बोलती हूँ कि वो मुझे हर सुबह स्कूल छोड़ आएं और स्कूल के बाद मुझे हमें उसके बाद घर पे वापस ले आएं, तो ये उनके लिए भी बहुत डिफिकल्ट होगा। I used to be a light as a feather, but not anymore. तो उसने बताया कि पहले मैं एक फैदर की तरह, यानी कि एक पंख की तरह मैं बहुत ही हल्की होती थी, बट अब मैं उतनी हल्की नहीं हूँ। But would you like to come to school? Asked Abdul. But Abdul ने उसके बाद पूछा, but मुझे ये बताओ कि क्या तुम स्कूल आना चाहती हो? Of course, replied Chaskit. तो Chaskit ने reply किया कि हाँ, बिल्कुल मैं आना चाहती हूँ। I hear my younger brother talk of all that he does at school. तो उसने बताया चस्कित ने कि मैं वो हमेशा सुनती हूँ, मेरा भाई जो स्कूल में बातें करता है वो मुझे हमेशा सारी बातें बताता है। I want to study like all of you. जिससे तुम सभी स्टडी करते हो, मैं भी चाहती हूँ तुम्हारी तरह स्टडी करना। मेक फ्रेंड्स बनाना चाहती हूँ, प्ले गेम्स को खेलना चाहती हूँ, वियर अ यूनिफॉर्म को पहनना चाहती हूँ, एंड इवन राइट एग्जाम्स, और मैं एग्जाम्स भी राइट करना चाहती हूँ, यानी कि एग्जाम्स भी देना चाहती हूँ। Sometimes my brother teaches me songs that he has learned at school and I love it. तो फिर वो बताती है कि sometimes कभी कभार मेरा जो भाई है वो जो songs या poems सीखता है स्कूल में वो मुझे बताता है और मैं भी उनको सीखती हूँ और मुझे सब कुछ करना बहुत पसंद है। You may not believe this, but I sometimes dream of carrying a school bag, even eating packed lunch. तो फिर वो चस्कित बताती है कि तुम शायद इस बात पर बिलीव नहीं करोगे, कभी कभी मुझे अपने स्कूल बैग ले जाने के और जो मेरा खाना पैक किया होता है स्कूल में जो बच्चे ले जाते हैं, तो उनकी मुझे ड्रीम्स भी आते हैं, यानी कि मुझे ड्रीम्स आते हैं कि मैं स्कूल में स्कूल बैग लेके जा रही हूँ, राइट। तो इस तरह की चस्कित बताती है कि शायद तुम इस बात पर बिलीव नहीं करोगे, बट मुझे इस तरह के ड्रीम्स भी आते हैं। Enough, enough, interrupted her grandfather. Stop dreaming, Chaskit. You know you can't go to school. I have told you this many times. Learn as much as you can at home. तो जब उसके जो grandfather थे वो भी पास में बैठे हुए थे, तो जब वो सारी बातें सुन रहे थे तो उन्होंने कहा कि बस और सोचना बंद करो और सपने लेना बंद करो चस्कित, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि तुम स्कूल नहीं जा सकती हो, जितना ज्यादा तुम घर पे लर्न कर सकती हो उतना ज्यादा लर्न करने की कोशिश करो, इस तरह स्कूल में जाने की ड्रीम्स मत लो, राइट। कम ऑन द नेक्स्ट पेज। मीमले प्लीज, प्लीडेड चस्कित सॉफ्टली विद टीयर्स इन हर आईज एज हर ग्रैंडफादर वॉक्ड अवे एंगरली। तो उसने अपने ग्रैंडफादर को निवेदन किया, प्रार्थना की कि प्लीज ऐसा मत कहो, क्योंकि जब उसके फादर, उसकी आंखों में जब आंसू आ गए थे जब उसके फादर ने ऐसी बात कही, उसके फादर वहां से चले गए। मीमले डज नॉट अंडरस्टैंड हाउ आई फील, सेड चस्कित। तो चस्कित ने ऐसा कहा कि शायद मेरे जो ग्रैंडफादर हैं वो नहीं समझ सकते कि मैं कैसा महसूस करती हूँ, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, मैं घर पे नहीं रहना चाहती और बच्चों की तरह मैं सभी एक्टिविटीज करना चाहती हूँ जो वो स्कूल में करते हैं, तो इस बात को मेरे ग्रैंडफादर नहीं समझ सकते, उसने ऐसा कहा। आई रिमेम्बर द डे माई ब्रदर रिसाइटेड हिज टेबल्स विद सच प्राइड, इवन द टाइम
ही लर्न इट टू ईट. तो वो कहते हैं कि मुझे याद है वो दिन जब मेरे भाई ने टेबल लर्न कर ली थी, टेबल को रिसाइट करना सीखा था, तभी उसने लर्न करना सीखा था. तो मुझे वो दिन अच्छे से याद है जब मेरे भाई ने पूरे प्राइड के साथ उस टेबल को लर्न किया था. माई पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी एज दे हैव नेवर बीन टू स्कूल. जो मेरे पेरेंट्स थे जब मेरे भाई ने टेबल्स को लर्न किया प्राइड के साथ, तो उसको देखकर मेरे पेरेंट्स बहुत खुश थे क्योंकि मेरे पेरेंट्स कभी भी स्कूल नहीं गए थे. I too want to learn to read and do math. तो उसने कहा कि मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी लर्न करूँ, रीड करना सीखूँ और मैं भी मैथ को सोल्व करना सीखूँ. Do you understand? क्या तुम ये समझते हो? तो चस्कित ने उसको ऐसे कहा अब्दुल को. I do, said Abdul. तो अब्दुल ने कहा yes, मैं समझता हूँ इस बात को. चस्कित, I will see you again. I must go now. तो उसके बाद अब्दुल ने कहा कि चस्कित, अब मुझे जाना है और मैं तुमसे बाद में मिलूंगा. My mother will be waiting for me, Julie. तो उसने उसको विश किया, बाय कहा और कहा कि मेरी मदर शायद मेरा वेट कर रही होगी. The next day, Abdul went straight to the headmaster's room after assembly. तो assembly के बाद तो अब्दुल से अपने हेडमास्टर के पास गए. जूली, Azangle, he said, I want to talk to you about a girl from our village who does not go to school. Her name is Jaskit. She is a Stockton's sister. तो उस अब्दुल ने अपने हेडमास्टर से मिले, उनको विश किया और कहा कि मैं एक लड़की के बारे में बात करना चाहता हूँ. इसका नाम जस्कित है और वो स्टॉकटन की सिस्टर है. राइट, हमारे वो गांव में रहती है और वो स्कूल नहीं आती.